विचित्र देश है। इस संसार का छत कहे जाने वाला तिब्बत दुनिया का एकमात्र देश है जो इतनी ऊंचाई पर स्थित है। इतनी ऊंचाई पर बसे होने और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरे होने के कारण वह सदा ही दुनिया से अलग थलग रहा है। दोस्तों, आज हम जानेंगे तिब्बत से जुड़े अनोखे तथ्य। यहाँ के लोग बड़े धार्मिक है। ये लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। बड़े आश्चर्य की बात है कि यहाँ के लोगों की कुल संख्या का 90% लोग लामा या पुजारी है। लामाओं की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण तिब्बत को लामाओं का देश कहा जाता है। लामा पीली टोप पहनते हैं और बाकी बचे हुए 10% लोग लाल टोप पहनने की प्रथा है। तिब्बत के प्रत्येक परिवार में एक व्यक्ति को लामा जरूर बनना पड़ता है। यह मठ में रहकर एकांत और शांति का जीवन व्यतीत करते हैं। इन सभी लामाओं का एक नेता होता है जिसे दलाई लामा कहते हैं। दलाई लामा तिब्बत का शासक तो होता ही है, साथ ही यहाँ के लोग इसे ईश्वर की तरह पूजते हैं। दलाई लामा अपने आप को अलौकिक ईश्वर का अवतार मानते हैं। दलाई लामा का चुनाव वंश के आधार पर नहीं किया जाता है। एक दलाई लामा मरने से पूर्व बताता है कि अगले जन्म में वह कहाँ उत्पन्न होगा और अलौकिक ईश्वर का अवतार होने के लिए उसमें कौन कौन से चिन्ह विद्यमान होंगे। लामा के देहांत के बाद सारे देश में घूमकर यह देखा जाता है कि उस समय कौन कौन से नए बालकों का जन्म हुआ है और उनमें ये चिन्ह विद्वान है या नहीं। जिस बालक में ये सभी या इनमें से अधिकांश चिन्ह विद्वान होते हैं उसे दलाई लामा चुन लिया जाता है। कई बार तो इस चुनाव में कई वर्ष लग जाते हैं। जो बालक दलाई लामा चुना जाता है उसके पिता को सर्वोच्च कुलीन श्रेणी में स्थान दिया जाता है। उसकी शिक्षा आदि की विशेष व्यवस्था की जाती है। तिब्बती बड़े धार्मिक होते हैं। वे दिन में कई बार प्रार्थना करते हैं। यहाँ के लोग अतिथियों का बड़ा सत्कार करते हैं। उनके यहाँ मेज कुर्सी आदि कुछ नहीं होता, इसलिए वे मेहमानों को आग के पास भेड़ का ऊनी कंबल बिछाकर बैठाते हैं। तिब्बती लोगों का भोजन बड़ा विचित्र होता है जिसे सांपा कहते हैं। सांपा जौ को पीसकर बनाया जाता है।